जॉर्जिया के बातूमी शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुसू प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाने वाली प्रियंका केवट शनिवार को सीधी पहुंची। विदेश की धरती पर देश का परचम लहराने वाली इस बेटी का जिले में भव्य स्वागत हुआ। स्वागत का दौर रीवा रेलवे स्टेशन से शुरू हो गया था, जो उसके गृह ग्राम मडिला तक जारी रहा। रीवा से सीधी पहुंचने के दौरान कई जगह पर प्रियंका का पुष्प वर्षा और आरती के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद सीधी के पूर्व पुलिस अधीक्षक वर्तमान रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने अपने आवास पर प्रियंका का स्वागत कर बधाई दी। इसके बाद वाहनों की रैली शुरू की है। रैली के साथ प्रियंका सीधे के लिए रवाना हुई, जहां चुरहट पहुंचने पर गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया। इसके बाद वह बढ़ौरा शिव मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद सीधे के लिए रवाना हुई। बढ़ौरा छांदा में प्रियंका के संरक्षक डॉक्टर राजेश मिश्रा ने वाहनों के काफिले के साथ स्वागत किया। वार्ड एक केवटान बस्ती निवासी प्रियंका गरीब परिवार की बेटी हैं। तीन बहनों और एक भाई में प्रियंका दूसरे नंबर की बेटी है। प्रियंका के पिता शिवराज केवट शहर के निजी नर्सिंग होम में कैशियर का काम देखते हैं, जबकि माता सोनिया केवट ज्योत्सना हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी में भृत्य के पद पर कार्यरत हैं। प्रियंका पिछले करीब 8 वर्ष से वुशू का प्रशिक्षण ले रही हैं और जॉर्जिया में 48 किलोग्राम वजन रूप में कार्य किया है। प्रियंका इसके पहले स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में करीब 1 दर्जन गोल्ड मेडल अपने नाम की हैं। नेशनल प्रतियोगिता में 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर चुकी हैं। पूर्वी यूरोप के जॉर्जिया में खेली गई अंतर्राष्ट्रीय वुशू प्रतियोगिता में प्रियंका ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया।